हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज आरएमएस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी से रिलेटेड बात करेंगे। मेरा नाम है सूरज आर्या एंड आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो आरएमएस का जो पोर्टल है, अगर आप उसे खोलेंगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जब आप खोलेंगे, तो आपको यहाँ पर एक सीईटी कॉर्नर दिखेगा और वहाँ पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगा कि आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप इस लिंक को क्लिक कर रहे हैं और इवन साइट को खोलने में काफ़ी मशक्क़त या काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि साइट खुल नहीं रही है। इसका जो रीज़न है, इसका ये रीज़न है कि सभी एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर रहे हैं सभी पेरेंट्स, क्योंकि टाइम हमें ऐसा लिमिटेड दिया गया है। 17 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट्स जो अनाउंस हुई है, उसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो चुका है वेबसाइट के ऊपर, इसलिए वो जो सर्वर्स हैं उसका लोड नहीं ले पा रहे, इसलिए वो खुल नहीं रही है। ठीक है, ये दरअसल आरएमएस के संज्ञान में भी होगा और इसी की वजह से आप एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात क्या है कि पेरेंट्स के पास उनका पासवर्ड नहीं है। दरअसल मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप इसमें क्लिक करेंगे डाउनलोड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास होने चाहिए। लॉगिन क्रेडेंशियल्स में क्या मांग रहा है, दरअसल उसकी फ़ोटो मैंने नहीं लगाई क्योंकि वो वेबसाइट खुली नहीं रही है। बेसिकली एक तो ईमेल आईडी मांग रहा है, जो वैलिड ईमेल आईडी आपने डाली होगी, ठीक है। दूसरा वो मांग रहा है वैलिड मोबाइल नंबर, जो उस वक्त डाला होगा मोबाइल नंबर जिसमें मैसेजेस आ रहे हैं। और थर्ड में फिर है पासवर्ड। ओके, अब दरअसल ये जो पासवर्ड का मैसेज है, ये पेरेंट्स के पास आया है पहले, ठीक है। तो अगर आपके पास पासवर्ड है और डायरेक्टली आप इन तीन क्रेडेंशियल्स को डालोगे, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसको डालने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड जिन पेरेंट्स के पास है उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक है, अगर वो ऐसे समय में वेबसाइट को खोलेंगे, या तो लेट नाइट या तो अर्ली मॉर्निंग अगर वो वेबसाइट खोलेंगे, तो ट्रैफिक उस वक्त कम रहता है और वो एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन अब जिनके पास पासवर्ड नहीं है वो क्या करें, पहली बात तो वो क्या कर सकते हैं, वो पासवर्ड नहीं है तो वो क्या करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड में जाएंगे। देर इज़ वन ऑप्शन कॉल्ड फॉरगॉट पासवर्ड, और फॉरगॉट पासवर्ड में जाने के बाद फिर से ईमेल आईडी डालेंगे, और ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। इन दोनों क्रेडेंशियल्स को डालना पड़ रहा है और फिर फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करेंगे। लेकिन दरअसल दिक्कत की बात यह है कि जब आप मेल आईडी, वैलिड मेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये सेम प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ये आरएमएस के भी संज्ञान में होगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसको ज़रूर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरी चीज़, एक और सोल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपने पासवर्ड को पता कर लें। देखिए, पासवर्ड को पता करने के लिए आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, उसकी पीडीएफ अगर आपके पास होगी, तो उसमें आपको डेट ज़रूर देखने को मिलेगी, एप्लीकेशन डेट। जैसे ये 11 अक्टूबर को है, तो 11 अक्टूबर के दिन के अगर आप अपने मैसेज देख लीजिए, जो भी आपने वैलिड नंबर दिया है उसमें मैसेज आया होगा, उस मैसेज में यू विल फाइंड दैट वैलिड मेल आई डी, दैट वैलिड मोबाइल नंबर एंड दैट पासवर्ड, ठीक है। और वहाँ से आप उस पासवर्ड को डालकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। और जिनके पास, ऐसा भी हो सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, जिन पेरेंट्स के पास वो मैसेज नहीं है या मैसेजेस सारे डिलीट हो गए हैं, तो थोड़ा सा वेट करें, कुछ दिन और का वेट करें। एग्जैक्टली तो कोई डेट मैं ऐसे बोलूंगा नहीं कि इस तारीख के बाद ट्रैफिक कम हो जाएगा, हाँ, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। और वेट करने के बाद ये जो प्रक्रिया है फॉरगॉट पासवर्ड की, जब हम करेंगे तो फिर यहाँ से, क्योंकि मेल आई डी और मोबाइल नंबर तो हमें अपना मालूम ही है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रोसेस आगे ज़रूर होगी, जिसके थ्रू हम अपना पासवर्ड रिकवर कर लेंगे और ईजिली अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेंगे। कुछ पेरेंट्स इसलिए भी हैरान परेशान है क्योंकि उनको मालूम होना चाहिए कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आया है, क्योंकि हमने प्रेफरेंस दी है ना एग्जामिनेशन सेंटर की। अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि वो बाय ट्रेन ट्रैवल करेंगे या बाय एयर वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मुसीबत आ रही है। तो ये मुसीबत का सोल्यूशन यही है कि थोड़ा सा आप वेट करें, वेट तो आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आरएमएस इस प्रॉब्लम को, जो फॉरगॉट पासवर्ड वाले में प्रॉब्लम आ रही है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करेगा, मैं ज़रूर आप लोगों को इंटीमेट करूंगा, एक वीडियो उसके ऊपर स्पेसिफिकली बनाऊंगा, ठीक है। जिन पेरेंट्स के पास पासवर्ड है, बाकी क्रेडेंशियल्स हैं, वो अपने एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करें। जिन पेरेंट्स के पास नहीं है, उनको अगर अपना एप्लीकेशन डेट या पेमेंट की डेट मालूम है, तो उस दिन का मैसेज देखें, उसको आपको आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज आया है, ठीक है, और वहाँ से रिकवर करें पासवर्ड और अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें। और जिन पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डेट भी नहीं मालूम है, मैसेजेस सारे डिलीट हो गए, तो थोड़ा दिन पेशेंस रखें और ज़रूर इस प्रॉब्लम को आरएमएस ही रिजॉल्व करेगा, क्योंकि 17 को पेपर है, ठीक है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।
और कोई भी आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन लगी होगी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड जय हिंद।